नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वननेस। स्वागत है आपका वननेस चैनल में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में अनुहतुरी करते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने ग्रेविटी को अपने अपने सिद्धांतों से कैलकुलेट करने की खूब कोशिश की, परंतु कैलकुलेट नहीं कर पाए। कुछ समय बाद ज्वीवन और उनके साथियों ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला, जिसे हम यूनिटैरिटी मेथड कहते हैं। हमारा मानना है कि हम बड़े से बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें और उन्हीं छोटे छोटे हिस्सों को सॉल्व करके साथ में जोड़ दें, तो फिर हमें एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी, जिसकी मदद से हम जान पाएंगे कि ग्रेविटेशन सच में है या नहीं। यूनिटैरिटी मेथड से फिजिसिस्टों ने इसका इस्तेमाल किया। हमने पाया कि ग्रेविटॉन को ग्लूऑन की दो कॉपी कह सकते हैं, या एटम की न्यूक्लियाई को स्ट्रॉन्ग फोर्स से बांधे रखता है। जुई और उनके साथी भी यही मानते हैं कि ग्लूऑन भी ग्रेविटी की वजह हो सकते हैं। सब कुछ समझ आ रहा था, मगर ग्रेविटी जिस तरह से काम कर रही थी वह ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी। ज़्यादातर वैज्ञानिक ग्रेविटी के बारे में यही जानते हैं कि वह हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है। एक बड़े स्केल में देखा जाए तो कॉस्मोलॉजिस्ट ने रिसर्च में पाया कि तारामंडल एक दूसरे को ढकेल रहे हैं। ऐसा इफेक्ट कुछ कारणों की वजह से हो सकता है, जैसा कि तारामंडलों के बीच ग्रेविटेशनल फैब्रिक के फोर्स का कम हो जाना, या फिर इन्हीं कमज़ोर फैब्रिक के बीच किसी अन्य फोर्स का कार्य करना। इन सभी फोर्सों की वजह डार्क मैटर या एंटी मैटर फोर्स या एनर्जी हो सकते हैं, या फिर कोई और फोर्स। अब फिर हमें ग्रेविटी के बारे में कुछ सोचना होगा। इसी कारण यूनिवर्स एक्सपेंड करता जा रहा है। ड्रैगन हेजुकवेच मानते हैं कि मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे को दूरी की ओर ढकेलते एवं पुश करते हैं। शायद इसी कारण से ब्रह्मांड के जिस क्षेत्र में मैटर न हो और उस जगह एंटी मैटर हो, जो सितारों, गैलेक्सी, ब्रह्मांड को आपस में एक दूसरे को दूर की ओर पुश कर रहे हैं। यूनिवर्स के खाली हिस्से को भरने वाली जगह को क्वांटम वैक्यूम कहते हैं, परंतु इसके व्यवहार से धोखा मत खाइएगा। इसके अंदर काफ़ी माइक्रोस्कोपिक एक्टिविटी होती रहती है। क्वांटम वैक्यूम के खाली हिस्से में हर पल एंटी मैटर एंड मैटर के सुरक्षित जोड़े बनते हैं और खत्म भी हो जाते हैं। कुछ पल के लिए जन्म लेते हैं और फिर एक दूसरे को मार देते हैं। क्वांटम वैक्यूम में अरबों खरबों जोड़े मेटा क्यूब में बनते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। इसी कारण से मैटर की ग्रेविटी एंटी मैटर एंटी ग्रेविटी खत्म कर देती है। अब पार्टिकल के जोड़े क्यूब में ढेर सारे ही बन जाएं, ग्रेविटेशनल इफेक्ट शून्य ही होगा। आपको ऐसा लगता होगा कि क्वांटम वैक्यूम वैक्यूम में रहता है, पर ऐसा नहीं है। यूनिवर्स मैटर के कई बड़े हिस्सों से भरा पड़ा है, जिसे हम आकाश गंगा जैसा ढेर समझ सकते हैं। गैलेक्सी मैटर की बनी है, वो मैटर को क्वांटम वैक्यूम में अंदर को खींच लेती है और उसमें मौजूद सारे एंटी मैटर बाहर की ओर ढकेल देती है। आकाश गंगा के मध्य में जहाँ कम मैटर होता है और जहाँ ज़्यादा एंटी मैटर होता है, इसी वजह से क्वांटम वैक्यूम में ग्रेविटेशनली रिपल्सिव बन जाता है। इसी कारण से गैलेक्सी दूर की ओर जा रही हैं, बट यह कोई नहीं जानता कि एनर्जी का स्रोत क्या है। फिजिसिस्ट इसे डार्क एनर्जी कहते हैं। डार्क एनर्जी ही ग्रेविटी का एक छिपा हुआ हिस्सा है। मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट डार्क एनर्जी की मौजूदगी को मान रहे हैं। शायद हम यह जानने में जल्द ही सक्षम हो पाएंगे कि ग्रेविटी की एक रिपल्सिव सहेली भी। इन्हीं सभी डिफ्रेंशिएशन की वजह को जानने के लिए हेजुकवेच ने सर्न में एलएससी के द्वारा एंटी मैटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, एलएससी के बारे में जान लेते हैं। एलएससी एक पार्टिकल एक्सीलेटर है जो लाइट की स्पीड से प्रोटॉन या आयनों को ढकेलता है, जिसमें 27 किलोमीटर की एक मैग्नेटिक रिंग होती है जो कि एनर्जी के पार्टिकल को बूस्ट करती है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर दुनिया की सबसे बड़ी कण कोलाइडर मशीन है। 2008 में सर्न द्वारा जिनेवा के पास फ्रांस स्विट्जरलैंड में 2 किलोमीटर परिधि की सुरंग में स्थित किया। अगर हम एंटी मैटर बनाने में सक्षम हो गए तो शायद डार्क एनर्जी भी हमारे समझ में आ जाएगी।
हम अभी भी ग्रेविटी को अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। मैथमेटिक्स या फिजिक्स से जानने की कोशिश में शायद कभी न जान पाए। हम सभी जानते हैं कि पुराने समय में अपनी छोटी उम्र में जब हम छोटे थे पृथ्वी को समतल सपाट ही मानते थे। जब नाविकों ने समंदर में भ्रमण किया तो उन्होंने बताया कि धरती सपाट नहीं है। अगर हम ऊंचाइयों से देखेंगे तो पृथ्वी गोल ही दिखेगी। कहीं ऐसी ग्रेविटी भी तो नहीं पास से कुछ और दूर से कुछ और तरीके से काम करती है। अगर इसी तरह ग्रेविटी भी एक भ्रम है तो क्या हमें इसे जानने के लिए कोई नया नज़रिया मिल पाएगा? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के हार्मन लुई वर्लैंडे थ्योरेटिकल भौतिकी वैज्ञानिक और स्ट्रिंग थ्योरिस्ट हैं। एरिक और हरमन दो जुड़वा भाई हैं। इनकी रिसर्च स्ट्रिंग थ्योरी, ग्रेविटी, ब्लैक होल और कॉस्मोलॉजी से संबंधित है। 8 दिसंबर 2009 को एंट्रोपिक ग्रेविटी का सिद्धांत दिया। दोस्तों, व्हाट इज एंट्रोपिक ग्रेविटी? एंट्रोपिक ग्रेविटी डार्क मैटर के रूप में क्वांटम इफेक्ट का एक स्रोत है, जिसे डार्क एनर्जी का रूप भी माना जा सकता है। अंतरिक्ष के वैक्यूम में एनर्जी भार को उठाने का काम करती है, और पॉजिटिव डार्क एनर्जी डिजिटल स्पेस के क्षेत्र की गहराइयों को पार कर जाती है। एंट्रोपी ग्रेविटी की थ्योरी बताती है कि न्यूटन के आधार पर सभी प्रकाश से पृथ्वी में यूनिवर्सल गुरुत्वाकर्षण नियमों का पालन करती है, परंतु इंटरस्टेलर दूरी में गुरुत्वाकर्षण सभी नियमों का पालन नहीं करता है। डिजिटल स्पेस एक डायमेंशनल सिमेट्रिक होती है। ग्रेविटी स्पेस टाइम के फैब्रिक में आया हुआ डिस्टॉर्शन जैसी थ्योरी में सच्चाई भी दिखती है। क्वांटम थ्योरी कहती है कि आइंस्टीन की थ्योरी यह नहीं बताती कि वह किस चीज़ की बनी है, और कहती है कि स्पेस किसी चीज़ का नहीं बना है। क्वांटम थ्योरी कहती है कि स्पेस कणों से मिलकर बना है, जिस तरह फोन की डिस्प्ले छोटे छोटे डायोड से मिलकर बनी होती है। आइंस्टीन की थ्योरी से अगर ग्रेविटी पार्टिकल की वजह से काम करती है तो फिर खाली स्पेस के समतल सतह पर पार्टिकल तैरते रहते होंगे, जिस तरह नदी में नाव तैरती है। क्वांटम थ्योरी कहती है कि स्पेस तो समतल है ही नहीं, वो तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। दरअसल अगर हम ग्रेविटॉन होते तो हम अपने आप को स्थिर ही महसूस करते और ब्रह्मांड हमेशा एक समतल सपाट मैदान में दिखाई देता। इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि किसी इंसान से चींटी 10 मीटर की दूरी से वह दूर जा रही हो और उस इंसान को दूर से देखने में वह चींटी स्थिर ही दिखाई देगी। सो अगर पार्टिकल लीनियर पाथ में घूमते हैं तो उसके लिए घूमने जैसी कोई बात है ही नहीं, मगर इन्हें रियल लाइफ के लीनियर पाथ में घूमते हुए देखते हैं। लाइट की स्पीड से चलने वाले पार्टिकल ग्रेविटॉन जैसी दूसरी रियलिटी को छू लेते हैं, इसी कारण से लंबी लाइनें पॉइंट और पॉइंट लाइनें हो जाती हैं। ग्रेविटॉन जिस रास्ते से निकलता है वह पॉइंट बन जाता है। असल में पॉइंट तो एक लाइन है, जिसे हम होलोग्राफिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। हम आसमान में जो कुछ भी देखते हैं वह किसी दूसरी दुनिया की होलोग्राफिक सोप या रिफ्लेक्शन होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हम जिस रियलिटी को जानते हैं वह किसी दूसरी दुनिया की रियलिटी है, और हम उस दूसरी दुनिया की रियलिटी को अपनी दुनिया में महसूस कर रहे हैं। बट आइंस्टीन की थ्योरी मानती है कि ग्रेविटॉन सपाट समतल मैदान में चलता है, जबकि ग्रेविटॉन के चलने का रास्ता पॉइंट है। तो वह बालू या दलदल कहीं भी चल रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह तो रियलिटी में स्थिर है। हमारे सभी वैज्ञानिकों के लिए एक नई खोज होगी। अगर हरमन की अल्टरनेटिव रियलिटी में ग्रेविटी सही है, फिर तो जिसे हम रियलिटी मान रहे हैं वह तो एक भ्रम होगा। शायद रियलिटी किसी और चीज़ की बनी होगी। यह तो ऐसा है जैसे कि मेरी वीडियो देखने जैसा है। हम यह नहीं जान सकते कि इस वीडियो को किस प्रकार से तैयार किया और कितने लोगों ने इसे साथ मिलकर बनाया, किस प्रकार के ग्राफिक्स एंड वीडियो की कितनी लेयर का यूज और किस सॉफ्टवेयर से एडिट किया। फिजिक्स में ग्रेविटी कई बार भ्रम भी पैदा करती है। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपके लिए असली हूँ, पर क्या पता आप मेरे लिए एक भ्रम हो। यह इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चौंकाने वाली विराज है। गाइस, इस वीडियो को हम यहीं से एंड करने वाले हैं और पार्ट 3 में जानेंगे कि क्या ग्रेविटी सचमुच में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी विराज है तो इसे बनाया किसने, क्या ग्रेविटी का कोई
दूसरा व्यू भी है। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना। बाय बाय बाय, गुड बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में।